Assalamu alaikum viewers, I'm Mr. Saidullah Khan. How are you viewers? बच्चों और तमाम viewers के लिए आज जो टॉपिक है हमारे पास वो फर्स्ट ईयर यानी इंटरमीडिएट का पार्ट वन फर्स्ट ईयर कराची रोड की पोएम है, पहली पोएम जिसका नाम है अंडर द ग्रीन वर्ल्ड ट्री। आज मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसको सही तरीके से समझाने की और आप तक पहुंचाने की। माय डियर स्टूडेंट्स एंड द व्यूअर्स, अंडर द ग्रीन वुड ट्री है क्या? ये पोम, ठीक है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज अ पोम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हम ये देख सकते हैं कि बाय विलियम शेक्सपियर, आप जानते होंगे विलियम शेक्सपियर को। Written by William Shakespeare, and William Shakespeare was born in 1564, died in 1616. ठीक है? ये जो हम पॉइंट तो हम पढ़ रहे हैं अंडर द ग्रीन वुड ट्री, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। आई विल टेल यू फर्दर अबाउट दिस पीरियड ऑफ विलियम शेक्सपियर। पहले इसको क्लियर कर दूं, ये पोम अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज टेकन फ्रॉम अ प्ले, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें से ये पोम दी गई है। उस प्ले का नाम है एज यू एल आई के ई, एज यू लाइक इट। ये प्ले है विलियम शेक्सपियर का। दिस प्ले विलियम शेक्सपियर, में लिख देता हूं प्ले, पी एल ए वाई प्ले, विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट। इसमें से ये पोम जो है ये एक्सट्रैक्टेड की गई है, ठीक है ना? और एज यू लाइक इट के कौन से एक्ट से, एक्ट ए सी डी, एक्ट टू आएगा हमारे पास, एक्ट टू, ठीक है ना, और सीन एस सी ई एन ई, सीन फाइव, एक्ट टू और सीन फाइव से ली गई है, ठीक है। पोम Under the Greenwood Tree, written by William Shakespeare and has extracted from the play William Shakespeare as you like it, Act 2, Scene 5, ठीक है? Act 2 और Scene 5 से ली गई है, ठीक है? इस poem को actually sung किया गया, ठीक है ना? S-U-N-G, sung by, इसे गाया है, किसने गाया है? Sung by Lord Emmons. L O R D, Lord of Amiens कहते हैं, Lord Amiens कहते हैं, ठीक है ना? Lord Amiens, A M I E N S, Lord Amiens ने इसको परफॉर्म किया। Lord Amiens क्यों ने, अभी बताते चलते हैं सारी चीजें आपको। Lord Amiens ने इसको परफॉर्म किया, ठीक है ना? कहाँ परफॉर्म हुआ? In the forest of Arden, ठीक है ना? परफॉर्म in the forest of Arden, F O R E S T, Forest of A R D E N, Forest of Arden में परफॉर्म किया, विलियम शेक्सपियर ने परफॉर्म करवाया इसको। ओके, ये एक्चुअली जो पोम है हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये एज यू लाइक इट से एक्सटेंडेड है, और एज यू लाइक इट जो है ये विलियम शेक्सपियर का जो है वो कॉमेडी है। ये है आपकी विलियम शेक्सपियर की, हम लिख देते हैं ये जो प्ले है, ये सी ओ एम ई डी वाई, कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो दैट इज व्हाई दिस पोएम, द काइंड ऑफ दिस पोएम इज कॉमेडी। ओके, ये शेक्सपियर की कॉमेडी। अच्छा, पहले ये बताता चलूं विलियम शेक्सपियर कौन है, विलियम शेक्सपियर के बारे में आप क्या जानते हैं। एक बात आपको बता दूं, फिर हम इसकी पोएम की डिटेल में आएंगे। तो पहले मैंने एक छोटा सा आपको एक समझे समराइज करके दे दिए कहां क्या है। अब इन तमाम चीजों को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। देखिए, इस पोम को विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले एज लाइक इट में मेंशन किया है, और ये जो है विलियम शेक्सपियर, आप देखें आपने सुना होगा विलियम शेक्सपियर के बारे में कि विलियम शेक्सपियर बहुत बड़ा पोएट है, आपने इसके बारे में सुना होगा। आपने बचपन से और भी पोएट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन
विलियम शेक्सपियर के बारे में जितना सुना होगा इतना किसी और पोइट के बारे में शायद ना सुना हो आपने। विलियम शेक्सपियर जो है ये है कौन, क्यों इतना इसके बारे में जिक्र है, आखिरी है क्या, तो सुन लीजिए। विलियम शेक्सपियर जिस पीरियड का पोइट है, ठीक है, वो है एलिजबेथन पीरियड, आप जानते होंगे एलिजबेथन पीरियड। और उस दौर में जितने पोइट्स थे उस वक्त के, उन्होंने जो लिखा किस तरह लिखा जरा सुनिएगा। ऑल द पोइट्स एट ए टाइम या ऑल द पोइट्स ऑफ दिस पीरियड ऑफ दैट पीरियड वर अफेक्टेड बाय द सोसाइटी। विलियम शेक्सपियर अफेक्टेड द सोसाइटी। विलियम शेक्सपियर ने सोसाइटी को अफेक्ट किया, सॉरी सोसाइटी को हाँ अफेक्ट किया, और उन्होंने सोसाइटी से अफेक्ट होकर लिखा। मतलब जितने पोइट्स उस वक्त के उन्होंने माशरे से मुतासिर होकर लिखा, और विलियम शेक्सपियर ने माशरे को मुतासिर करने के लिए मतलब माशरे को चेंज करने के लिए लिखा। वो लोग उस वक्त जो उस दौर में जो कुछ हो रहा होता था उन चीजों से मुतासिर होकर लिखते थे। वो इस वजह से हालात उस वक्त के जो वाकयात हालात सर्कमस्टेंसेस थे उसे अपने पोएटिक डिक्शन में बयान कर दिया करते थे। विलियम शेक्सपियर जो था इसने उन हालात और वाकयात से मुतासर होकर नहीं लिखा बल्कि उस जमाने को चेंज करने के लिए लिखा, उन हालात और वाकयात को मुतासर करने के लिए लिखा। इसलिए विलियम शेक्सपियर जो है ये जो है क्या कहते हैं पोएट ऑफ ऑल एजेस के रहा है, पोएट ऑफ ऑल एजेस। इसीलिए विलियम शेक्सपियर की जो पोएट्री है या जो इसके प्ले हैं वो हमें यूनिवर्सल लगते हैं। लगते क्या हैं, दे आर यूनिवर्सल। ऐसा लगता है हर जमाने के लिए, जिस जमाने में इसको पढ़े जिस पीरियड में आप इसे पढ़ लीजिए ऐसा लगता है कि विलियम शेक्सपियर ने इसी पीरियड के लिए लिखा। ठीक है, तो उनमें से विलियम शेक्सपियर का एक प्ले एज यू लाइक इट। वैसे विलियम शेक्सपियर प्ले राइट पोइट कह सकते हैं इसे। प्ले राइट पोइट क्यों कहते हैं विलियम शेक्सपियर को, उस दौर में 16th सेंचुरी में ये रिवाज था कि जितने प्ले वगैरह लिखे जाते थे सब पोएटिक डिक्शन में लिखे जाते थे। तो शेक्सपियर ने भी ये प्ले पोएटिक डिक्शन में ही लिखा है। शेक्सपियर के जितने प्ले आप डाल लीजिए सारे पोएटिक डिक्शन में, सारे पोएटिक डिक्शन में। और ये जो प्ले है एज यू लाइक इट ये शेक्सपियर की कॉमेडी है। अच्छा कॉमेडी कहते किसे हैं सुन लीजिए। कॉमेडी अक्सर हमारे यहाँ तस्वर किया जाता है कि जिसमें हंसी मजाक तफरी फन हो उसे कॉमेडी कहते हैं। नहीं भाई, लिटरेचर में कॉमेडी का ये भी नंग नहीं होता। लिटरेचर में कॉमेडी किसे कहते हैं, लिटरेचर में कॉमेडी ये होती है कि ऐसा प्ले या ऐसी यानी कि राइटिंग जिसमें कि स्लाइटली यानी हल्का फुल्का सा लिटिल बिट स्लाइट टच ऑफ ट्रेजेडी बट हैप्पी एंडिंग, उसकी एंडिंग हैप्पी हो तो उसे हम कॉमेडी कहते हैं। जिसमें से शेक्सपियर के 37 प्लेज में से शेक्सपियर का हाउस ऑफ प्लेज में अगर हम देखें तो शेक्सपियर ने जो है 37 प्लेज लिखे हैं। तो 37 प्लेज में से एक प्ले जो है एज यू लाइक इट ये भी कॉमेडी है। आप देखें 12th नाइट वो भी कॉमेडी है शेक्सपियर का, ठीक है। हैमलेट ट्रेजेडी है शेक्सपियर का, इसी तरह किंग लियर ट्रेजेडी है शेक्सपियर का, ठीक है। एंथनी एंड क्लियोपेट्रा ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, ये शेक्सपियर की क्या है कॉमेडी। तो दैट इज वाई ये जो पोएम अभी हम पढ़ेंगे ये जो है हमारी कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर यानी शेक्सपियर की कॉमेडी काइंड कॉमेडी। अब इस प्ले में से एज यू लाइक इट में से ये पोएम हमें कहां मिलेगी, एक्ट टू और सीन फाइव पे मिलेगी। एक्ट टू क्या है और सीन फाइव क्या है ये भी सुन लीजिए। एक्ट टू और सीन फाइव एक्चुअली एक्ट क्या होते हैं ये बड़े गौर से सुनिएगा जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक्ट क्या होता है और सीन क्या होता है। एक्ट टू लिखा हुआ है और सीन फाइव लिखा हुआ है। एक्ट क्या होते हैं एक्चुअली उस दौर में ड्रामे जो होते थे वो स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे, लाइव परफॉर्मेंस हो रही होती थी, ठीक है।
रिटन स्क्रिप्ट तैयार कर लिए जाते थे और उसके बाद उसे स्टेज पे परफॉर्म किया जाता। जैसे आजकल हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में स्टेज पे बच्चे टैबलो परफॉर्म करते हैं, तो एक लाइव परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो इसी तरह एक लाइव परफॉर्मेंस होती है। अब होता है क्या है कि एक्ट क्या होता है, जैसे सपोज प्ले शुरू किया, ठीक है ना, अब जब उन्होंने प्ले शुरू किया तो स्टेज पे एक सेटिंग बनाई जाती है, सेटिंग होगी पूरी, ठीक है ना। अब वो सेटिंग जैसे चेंज करनी है, ठीक है, तो वो सेटिंग अगर उन्होंने चेंज करनी है तो क्या होता है कि प्ले जब उस सेटिंग तक जितने परफॉर्म हो सकता था वो प्ले परफॉर्म किया, अब बाकी रह गया प्ले, तो वो क्या करते थे, वो ये कहते थे कि भाई अब जो है एक्ट 2 एक हफ्ते के बाद शुरू होगा। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर वो क्या करते थे, स्टेज की सेटिंग चेंज करते थे। जब बैकग्राउंड सेटिंग चेंज हो जाते थे फिर एक्ट 2 शुरू होता था, इसी तरह एक्ट 3, इसी तरह एक्ट 4, इसी तरह डिफरेंट एक्ट्स होते थे। तो एक्ट एक्चुअली चेंज ऑफ द सेटिंग ऑफ द स्टेज, स्टेज की सेटिंग चेंज होती थी तो समझ लिए एक्ट चेंज हो जाता। जैसे ये पोएम है हमारे पास अंडर द ग्रीनबोर्ड ट्री एज लाइक इट से ली गई है, इसमें एक्ट 2 में भी कह रहे मिलेगा। एक्ट 1 क्या है फिर, एक्ट 1 ये है कि अभी मैं इसके जब बैकग्राउंड बताऊंगा तो बताऊंगा ड्यूक है, ड्यूक ऑफ आर्डन, ठीक है, उसका दरबार है, तो उस दरबार के लिए एक्ट 1 में जो स्टेज परफॉर्म किया, स्टेज जो सजाया गया है उसमें पूरी सेटिंग जो की गई है वो दरबार की गई है, उसमें तख्त लगा हुआ है, दरबारी बैठे हुए हैं, तो वो एक्ट 1 है, उसमें ये सॉन्ग नहीं आता, ठीक है ना। एक्चुअली ये सॉन्ग है, अभी मैं ये भी बता दूंगा, है तो पॉम लेकिन ये एक्चुअली है सॉन्ग। सॉन्ग क्या होता है बता देता हूँ, ये एक्ट हो गया, और सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि एक्ट एक्ट में सपोज डायलॉग चेंज होते हैं, ठीक है ना। सपोज एक डायलॉग बताया जा रहा है कि दो लोग बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है, सेटिंग चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वो दो लोग चले जाते हैं, उसके बाद फिर दो दूसरे लोग आ जाते हैं, वो अपने दो तीन चार लोग जो भी कैरेक्टर थे वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सीन है, इसे हम सीन कहेंगे। जब तक सेटिंग चेंज नहीं हो रही उसमें कई सीन हो सकते हैं तो उसे सीन कहते हैं, ठीक है। और एक्ट जो होता है वो स्टेज की सेटिंग चेंज होने को एक्ट कहते हैं। ये बहुत माइन्यूट, बल्कि मैं कह लूँ माइन्यूट के बड़ा बड़ा ये लार्ज, ये समझ लीजिए कि मैं यूं कह सकता हूँ धन्यवाद, कि बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि एक्ट के बारे में नहीं पता, एक्ट एक्चुअली इसे कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं एक्शन, अरे भाई ये एक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये चेंज ऑफ सेट है, सेट स्टेज, चेंज ऑफ सेट ऑफ द स्टेज, स्टेज की सेटिंग चेंज करने को एक्ट कहते हैं। अब उसमें सीन चेंज होते थे, जैसे सपोज एक्ट 2 और सीन 5 बता रहे हैं, तो एक्ट 2 सीन 5 में पढ़ेंगे तो एक्ट 2 और सीन 1 क्या है, एक्ट 2 सीन 2 क्या है, एक्ट 2 सीन 3 क्या है, डिफरेंट सीन है उसमें। जैसे फ्रेडरिक का सीन दिखा रहे हैं, ठीक है, और उसके बारे में वो क्या कहते हैं लॉर्ड एमियंस का, लॉर्ड एमियंस परफॉर्म कर रहा है उसका सीन दिखा रहे हैं, तो ये सीन चेंज हो रहे हैं। तो उसमें होता क्या था कि जब बैकग्राउंड चेंज नहीं होता था, सीन चेंज होता था, तो वो क्या कहते थे कि जैसे सपोज एक प्ले कार्ड, छोटा सा कार्ड, उस पर लिख दिया कि जनाब सीन 1 स्टार्ट, फिर एक बच्ची आई दूसरी तरफ से, उसने कहा सीन 2, सीन 1 एंड, सीन 2 स्टार्ट, सीन 2 एंड, सीन 3 स्टार्ट, इस तरह उससे पता चल जाता था कि सीन चेंज हो रहा है, सेटिंग चेंज नहीं हो रही। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये एक्ट लिखे गए, प्ले एक्ट में लिखे जाते थे, हैमलेट जो है वो 5 एक्ट में लिखा गया, प्ले 5 एक्ट हैं हैमलेट में, ठीक है, तो अब वो 5 टाइम जो है ना सेटिंग चेंज हुई है, लेकिन ये ज्यादा अरसे तक नहीं चल पाया, क्योंकि लोग फिर बोर होने लगे, एक प्ले के लिए एक एक 1.5 हफ्ते 3-3 महीने लगाने पड़ते थे उन्हें, तो उस वक्त के जो लोग थे फिर ड्रामा ड्रामा राइट, उन्होंने पता ही क्या किया, उन्होंने जाहिर सी बात है उन्हें भी अर्निंग करनी थी, अपना स्टेज चलाना है, थिएटर चलाना, तो उन्होंने क्या किया 1 एक्ट प्ले लिखना शुरू कर दिए, यानी एक्ट एक में एक्ट में पूरा प्ले परफॉर्म कर दिया जाता था। इसी वजह से आप देखिए हमारे फर्स्ट ईयर का जो कराची बोर्ड का सिलेबस, उसमें 2 1 एक्ट प्लेज हैं, 2 1 एक्ट प्लेज, तो 2 1 एक्ट प्लेज का मतलब ये हुआ कि जनाब 2 प्ले हैं 1 एक्ट के, एक ही एक्ट में खत्म है, सीन
चेंज होगा, सेटिंग ऑफ द स्टेज विल नॉट बी चेंज, नहीं होगी उसमें, ठीक है, नहीं की जाएगी, यही है वो। जब इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इंशाल्लाह डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट, तो इट और सीन समझ आ गए। अच्छा, sung by Lord Emmons. Lord Emmons is the character, was a character in this play. इस प्ले में as you like it में character है Lord Emmons. ये क्या करता है? ये जो है गले में वो लगाया, क्या कहते हैं, गिटार लटका है, जंगल में चला आया और वो परफॉर्म कर रहा है इसको। इसकी परफॉर्मेंस से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है इस फिल्म का। ये बैकग्राउंड अगर आपको पता चल जाए तो बहुत अच्छे तरीके से ये पोम आपको समझ आ जाएगी। इस पोम का बैकग्राउंड ये है कि एक्चुअली जो पीरियड है ना, शेक्सपियरियन पीरियड, ये मैंने बताया था आपको, क्वीन एलिजाबेथन पीरियड, यानी इसमें QUEEN क्वीन, ELIZABETH, क्वीन एलिजाबेथ का दौर है। अब क्वीन एलिजाबेथ का जो पीरियड है, इस वक्त जो है ये पीरियड कहलाता है कंस्पायरेसी, CON कंस्पायरेसी, मतलब ये जो दौर है साजिशों का दौर, साजिशों का दौर, ये नजर आ रहा है आपको, साजिशों का दौर है भाई ये, इसमें साजिशें की जा रही हैं। वो दौर ऐसा है कि उसमें साजिशें की जा रही थी, मतलब एक ड्यूक दूसरे ड्यूक का तख्त उलटने के लिए, उसकी सल्तनत छीनने के लिए प्लानिंग करता है, गैंग बनाता है और उससे उसकी सल्तनत छीन लेता है। इसी तरह आप देखिए साजिशों का दौर जो है, ये वो जो दौर है इसमें ये बात भी बताई गई है कि जैसे सपोज अगर हम विलियम उसमें देखें हैमलेट में, तो हैमलेट में भी यही दिखाया गया है कि जो किंग हैमलेट है उसका जो भाई है, ठीक है, वो किंग हैमलेट को कत्ल कर देता है, यानी प्रिंस हैमलेट का चचा जो है वो किंग हैमलेट को कत्ल कर देता है और प्रिंस हैमलेट की वालदा से शादी कर लेता है। वो तक तो ताज भी मिल गया और उसे क्या कहते हैं एक दुल्हन भी मिल गई, तो वो अपने भाई की बीवी से भी शादी कर लेता है और तख्त और ताज भी ले लेता है, तो ये एक साजिश है। तो वो दौर जो है ना, अगर आप देखें तो वो साजिशों का दौर है। यहाँ एक बात बताता चलूं कि लिटरेचर है क्या, ये बात अपने आज पढ़ लीजिए, बड़ी डिटेल में पढ़ लीजिए इस पोएम को, डिटेल में सुन लीजिए, समझ लीजिए ये पोएम जो है ना बेटा। अगर ये डिटेल नहीं समझ आई तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ। अभी पोम मैंने शुरू नहीं की है, देखिए टाइम लगेगा, भले ये 4 लेक्चर पे कम्प्लीट हो या 5 लेक्चर पे, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको इंशाल्लाह जितना इल्म मेरे पास है जो मैंने हासिल किया अपने बड़ों से वो आप तक पहुंचाऊं इंशाल्लाह। इसमें मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश प्रोफेसर्स में यहाँ लेना चाहूंगा, मैं बिल्कुल दरअसल नहीं करूंगा, मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि वो मैचलेस हैं, वो किंग ऑफ इंग्लिश हैं, उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने यानी मेरी दिमागों की बत्ती, दिमाग की बत्ती खोल दी और बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस पोएम के बारे में नहीं जानता था वो बताई हैं और बहुत सी चीज़ें जो मैं जानता था उसको शाइनिंग मिली मुझे। उनका नाम है, किंग ऑफ इंग्लिश कहता हूँ मैं उन्हें, वो है नवीद नकवी, बेहतरीन इंग्लिश के टीचर हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर भी ज़रूर उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे पढ़ें, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो उनसे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत आला किस्म का टीचर है माशाल्लाह। मैंने ऐसा उस्ताद इंग्लिश का अभी तक नहीं देखा, मैं उनके सामने यकीन करें कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, वो बहुत अजीम उस्ताद है, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, हम आपस में माशाल्लाह बैठते हैं, गैदरिंग होती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन मैं उनसे लेता हूँ, हम आपस में शेयर करते हैं माशाल्लाह, वो मुझे बहुत सी मुबारकबाद भी देते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी उन्हीं के थ्रू मोनेटाइज हुआ है, बहुत अच्छे इंसान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साजिशों का दौर है, मैंने साजिशें बताई आपको, ठीक है, और विलियम शेक्सपियर जो है ये जो है मैं लिटरेचर बता रहा हूँ। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर के बारे में यूं समझ लीजिए कि लिटरेचर जो होता है ना वो मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी है,
कहीं अगर नोट करना चाहे तो उसे नोट कर लीजिए, लिटरेचर जो है वो मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी। मैं लिख देता हूं, व्हाट इज लिटरेचर? LITERATURE, लिटरेचर इज द मिरर, MIRRO, मिरर इमेज, EMAGE, इमेज, सॉरी मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी। अगर किसी सोसाइटी को देखना है तो उसका लिटरेचर पढ़ लीजिए, आपको सोसाइटी समझ आ जाएगी कैसे थी। अब वो लोग तो जिंदा नहीं रहे, अब हम क्या करें? तो हमें उस वक्त का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। तो भाई जब हम इस वक्त का लिटरेचर पढ़ते हैं क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड का, तो उसमें हमें साजिशें नजर आती हैं। देखें, साजिशों का दौर है, इसमें भी यही हुआ है कि ड्यूक ऑफ आर्डन जो है उसको एक्साइल कर दिया गया है। किसने एक्साइल किया है? ड्यूक फ्रेडरिक ने, जो उसका सगा भाई है, उसने अपने भाई की हुकूमत को हथियाने के लिए उससे क्या किया? एक्साइल कर दिया। अब वो जब एक्साइल हो गया तो वो सब कहाँ चले गए? ये सब कुछ छोड़ छाड़ जंगल की तरफ निकल गए। अच्छा, यहाँ इसमें एक बात और बताता चलूं कि ये जो है इस वक्त का जो दौर है वो क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड का, उस वक्त एक चीज और थी जो बड़े उरूज पर आ रही थी, यानी अपने गाने के पीक पर पहुंच रही थी, और वो क्या थी? वो था फेटलिज्म, वो था फेटलिज्म। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेटलिज्म, FATALISM, फेटलिज्म। फेटलिज्म किसे कहते हैं? फेटलिज्म उर्दू में कहते हैं तकदीर परस्ती, तकदीर परस्ती। इस दौर में ये चीज बड़े उरूज पे जा रही थी, तकदीर परस्ती। अच्छा देखिए, तकदीर पे बिलीव करना एक अलग बात है, तकदीर परस्ती एक अलग बात है। तकदीर परस्ती का दौर था उस वक्त जो लोग थे, देखिए ना, वो पता है क्या चाहते थे? वो फेटलिस्ट हो चुके थे, फेटलिज्म का दौर था, फेटलिस्ट हो चुके थे, मतलब एम्बिशियस खत्म हो चुके थे। ये पूरी पोएम फॉर्म जो है इसका मेजर थीम जो है वो फेटलिज्म ही है। फेटलिज्म का मतलब ये होता है कि जनाब सब कुछ छोड़ छाड़, बस जो नसीब में है, किस्मत में, उसमें बिलीव कर लेना, आगे कुछ ना करना, हाथ पांव हाथ पे आंव करके बैठे रहना, और बस जो मिल गया उसी पर सब्र शुक्र कर लेना, आगे मेहनत नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, एम्बिशंस को खत्म कर लेना, वो है फेटलिज्म। और इस दौर में यही हो रहा था, और ये पॉइंट जो है ना पूरी की पूरी फेटलिज्म को डिफाइन कर रही है। यहाँ एक बड़ी गलत फहमी है, हमारे माशाल्लाह बड़े बड़े चैंपियन हजरात माशाल्लाह इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और उसमें वो ये बताते हैं कि विलियम शेक्सपियर इसमें ये बताना चाह रहा है कि मॉडर्न लाइफ यानी सिटी लाइफ और फॉरेस्ट लाइफ में डिफरेंस बताना चाह रहा है। वो ये डिफाइन करते हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है, खुदा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, वो शेक्सपियर है, कोई आम छोटा मोटा पोएट नहीं है कि वो इधर उधर फॉरेस्ट लाइफ और सिटी लाइफ के बारे में लिखे। बहुत बड़ा शायर है, कोई आम बंदा नहीं है। आपने कभी सुना हो कि गालिब ने कभी चौदहवीं के चांद के बारे में कुछ कहा हो, गालिब ने फूल के बारे में, बाग के बारे में कुछ कहा हो? नहीं भाई, गालिब बहुत बड़ा शायर है, वो छोटी मोटी चीजों पर नहीं, ये चीजें छोटी हैं, गालिब बहुत बड़ा है। इसी तरह ये जो है ना एक्चुअली पोएम, इसका ताल्लुक ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट लाइफ और सिटी लाइफ, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर जो है क्या कहते हैं बच्चे ये लिख देते हैं और ये गलत तस्वुर किया जाता है। तो सुन लीजिए, असल चीज है फेटलिज्म। उस वक्त ये था कि ये जो था ना क्या कहते हैं ड्यूक फ्रेडरिक, इसने ड्यूक ऑफ आर्डन को एक्साइल कर दिया। अब वो जो था वो जंगल की तरफ निकल गया, सब कुछ छोड़ छाड़, और उसके साथ एक कैरेक्टर है लॉर्ड एमिन्स, ये भी उसके साथ चल पड़ा। ये वहां जाकर गीत गाता है, देखिए उसमें इसमें यही बात बताई जा रही है कि जब वो जंगल में गए ना तो उन्हें जंगल की जिंदगी बहुत पुरसुकून नजर आई। क्यों? क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है, बैंक बैलेंस, रुपया, पैसा, कोई एम्बिशन नहीं है, सब कुछ खत्म है, बस
जो मिल जाए उसी पर सब्र शुक्र करना है, तो वो अपने आप को समझना है कि बस ये इसी में आगे बढ़ने की सलाहियतें खत्म, क्रिएटिविटी खत्म, इसको कहते हैं फेटलिज्म। तो इस पूरी पोयम में जो है ये फेटलिज्म बताया जा रहा है, सिटी लाइफ और इस लाइफ का भाई बिल्कुल भी जिक्र नहीं है इसमें। और लॉर्ड एमिन्स ने इसको परफॉर्म किया है। एक्चुअली ये जो है ना ये एक सॉन्ग है, ये हम कहते तो है पोयम लेकिन ये है क्या, ये एक सॉन्ग। मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री एक्चुअली अ सॉन्ग, SONG सॉन्ग, जिसको संग किया, SUNG संग, अ सॉन्ग वॉज संग, ये अ सॉन्ग है। आगे लिख रहा हूं SUNG संग बाय लॉर्ड एमिन्स या AMINS, एमिन्स ने परफॉर्म किया है, ठीक है। अब ये सॉन्ग क्यों है सुनिएगा, विलियम शेक्सपियर के एक टू सीन फाइव में जाएंगे तो ये आपको मिलेगी पोम, ये सॉन्ग है। एक्चुअली होता क्या था, सॉन्ग प्ले में बीच बीच में सॉन्ग दिए जाते थे, क्यों दिए जाते थे, अच्छा ये पहला सॉन्ग है इसका एज यू लाइक इट का। अब ये सॉन्ग जो है क्यों दिए जाते थे, एक्चुअली उस वक्त जब कोई बात कोई फीलिंग्स कम अल्फाजों में बयान करनी होती थी तो पता है वो क्या करते, वो कैरेक्टर को इससे यानी कि मीन संग करवा देते थे, गवा देते थे, वो गाता था और कम वक्त में ये चीज परफॉर्म हो जाया करती थी और सामने वाले को भी राइमिंग वे में बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाती थी, इसलिए इसको सॉन्ग कहा गया क्योंकि ये भी उसमें प्ले में सॉन्ग। अच्छा उस वक्त के मैंने बताया था जो प्ले लिखे जाते थे वो पूरे पोएटिक डिक्शन में लिखे जाते थे, बात समझ आ रही है यहां तक। अच्छा ये चीजें जो मैं अभी आपको डिफाइन कर रहा हूँ विलियम शेक्सपियर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, तो ये अभी यहाँ पर अभी मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं अभी एक बात और बताना चाहता हूँ। इसके जो टाइटल रखा गया है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, माशाल्लाह इसे भी हमारे बड़े बड़े चैंपियन हजरात जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो भी माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें उनके इल्म में इजाफा फरमाए, मैं तो यही कहूंगा। देखो इसी तरह बंदा सीखता है, हमने भी इसी तरह सीखा है, मैंने भी इसी तरह सीखा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अब बहुत बेहतर पढ़ा लेता हूँ, ये रब का करम है मुझ पर, ठीक है। लेकिन ये बात कि सीखने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये ग्रीन वुड ट्री है क्या, ग्रीन वुड क्या है, अक्सर इसका तर्जुमा यही लिया जाता है हरे भरे सब्जा झाड़ दरख्तों के नीचे, यही तर्जुमा लिया जाता है, जी हाँ बिल्कुल यही। लेकिन हरे भरे सब्जा झाड़ दरख्तों के नीचे से मुराद क्या है सुनिएगा, एक्चुअली ये टर्म्स है, ये जो ग्रीन वुड है ना, ये ग्रीन वुड ये भाई टर्म है, TERM टर्म, ये टर्म विलियम शेक्सपियर ने यूज किए कहां सुनिएगा, कैसे ग्रीन वुड है क्या चीज, इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा। ये लंदन यूरोप, यूरोप का कंट्री इंग्लैंड और उसका सिटी लंदन, यूं समझ लीजिए कि यूरोप में अगर हम देखें ज्यादातर इंग्लैंड में तो मौसम जो है ना दिसंबर से लेकर मिड ऑफ अप्रैल तक पूरे यूरोप पर जो है तकरीबन समझे पूरे लंदन पर बर्फ ही बर्फ होती है, हर तरफ सफेद ही सफेद, दरख्तों के पत्तों पर बर्फ, दरख्तों की शाख बर्फ ही बर्फ, पूरा दरख्त सफेद सफेद हो जाता है, बर्फ ही बर्फ होती है, सड़क जो होती है रोड्स उन पे बर्फ होती है, ठीक है। जो हमारे क्या कहते हैं हाउसेस होते हैं उनकी जो छतें हैं उन पर उनके रूफ पर बर्फ ही बर्फ होती है, ठीक है। फुटपाथ पर बर्फ, साइड में बर्फ, हर तरफ सफेद ही सफेद, आसमान नजर नहीं आता, बादल ही बादल हो रहे होते हैं, बर्फ ही बर्फ हो रही होती है, तो हर तरफ सिर्फ एक ही यानी मंजर नजर आता है, एक ही सीन नजर आता है और वो क्या होता है सफेद सफेद सफेद, तो इसमें रंगीनी नजर नहीं आती, यकसानियत हो जाती है, हार्मोनिज्म हो जाती है, और याद रखें जब हार्मोनिज्म बढ़ जाए तो उकताहट होना शुरू हो जाती है। तो दिसंबर से लेकर मिड ऑफ अप्रैल तक ये रहता था मौसम, ठीक है। जैसे ही मिड ऑफ अप्रैल शुरू होता है मैं यानी अप्रैल का मिड, तो
तो उस वक्त पता है क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघलना शुरू होती है। बर्फ जहां जहां से पिघलती है वो चीज फिर सामने आ जाती है, जहां बर्फ कम है वो जल्दी पिघल जाती है। तो अब दरख्तों के पत्तों पर जो बर्फ होती है वो जल्दी पिघल जाती है, और वो थोड़े थोड़े से जहां जहां से बर्फ पिघलना शुरू होती है वहां ग्रीनरी ग्रीनरी से नजर आने लगती है, ग्रीनरी हो जाती है, यानी मीन्स थोड़ा सब्जा हो जाता है। और फिर छतों से हटना शुरू होती है तो उसका कलर नजर आता है, जैसे रेड है, जैसे पिंक है, जैसे येलो है, ये सारे डिफरेंट कलर के जो हाउस में बना, अब जो है ना थोड़ा मौसम में रंगीनी नजर आने लगती है। फिर आसमान से जो है क्या कहते हैं कुछ बादल जो होते हैं वो यानी हटने शुरू होते हैं, छटने शुरू होते हैं, तो अब कुछ जो है पैचेस यानी ब्लू स्काई थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता है। अब ये जो मंजर होता है ना ये बड़ा ही प्यारा और बहुत यूं समझ लीजिए कि एक रंगीन मौसम, कलरफुल मौसम नजर आ रहा होता है, कलरफुल एनवायरमेंट नजर आ रहा होता है। और इसी मौसम में, इसी मौसम को वहां पर अर्ली स्प्रिंग कहा जाता है, यानी अवाइल बहार, मौसम बहार की इब्तिदा होती है अर्ली स्प्रिंग। अच्छा, वहां यूरोप में याद रखिएगा स्प्रिंग और समर एक साथ ही शुरू होते हैं, दोनों सीजन एक साथ शुरू होते हैं, एक सीजन होता है स्प्रिंग वो समर में ही होता है, ठीक है, समर और स्प्रिंग के साथ। और वहां जो पहला फूल खिलता है ना वो प्रिम रोजेस होता है। यही बात आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर की बुक है प्रोज, उसमें हमारे पास एक चैप्टर है द डिवोटेड फ्रेंड। डिवोटेड फ्रेंड में जो हंस है उसका जो बाग है उसमें कहेंगे विंटर में कोई फूल नहीं होता, तो विंटर में इसीलिए नहीं होता कि बर्फ ही बर्फ हो रही होती है वहां पर, इस वजह से कोई फूल नहीं होता। और जब पहला फूल खिलता है तो प्रिम रोजेस होता है, तो आप देखें जब मिलर उसके पास गया है तो मिलर ने उसे फूल देखकर कहा है, तो उसने कहा है कि प्रिम रोजेस, तो प्रिम रोज तो पहला फूल का वहां यही नाम है। तो फिर वहां पूरी फ्लावर्स की एक लिस्ट दी हुई है प्रिम रोजेस, यानी वो है क्या कहते हैं लेडी शेफर्ड है, ठीक है, प्रिम रोजेस है, शेफर्ड लेडी शेफर्ड, और आप कहते हैं वो क्या कहते हैं मास्क से हैं, ये फ्लावर्स के नाम है भूल रहा हूँ कौन सा, तो वहां पे भी यही है। तो एक्चुअली ग्रीन वुड ट्री, उस सब्जाजार को ग्रीन वुड कहा जाता है, ये उसकी टर्म यूज की गई है। अब देखिए जब ये वहां जाकर जंगल में बस गए हैं तो ये जंगल की जिंदगी कंफर्टेबल लग रही है एज कंपेयर टू सिटी। ये लोग कहते हैं भाई यू सुन लीजिए, वो क्यों लग रही है कि अब उन्होंने सोच लिया कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ जंगल में जो है, यहाँ हमारे पास कोई दुश्मन नहीं होगा, इसीलिए तो आप देखें इसमें वो इनवाइट कर रहा है, ये एक ओपन इनविटेशन से फेटलिज्म के लिए कि जंगल में आ जाओ और सुकून जिंदगी बसर करोगे। तो यहाँ यू कह सकते हैं कि इट इज एन ओपन, OPEN, ओपन इनविटेशन, ओपन इनविटेशन है, ठीक है, ओपन इनविटेशन फॉर फेटलिस्ट, FATALISTS, फेटलिस्ट के लिए ये एक ओपन इनविटेशन है, उन्हें ये बुला रहा है भाई कौन, लॉर्ड एमिन्स। अच्छा, वर्ड शेक्सपियर के हैं और लॉर्ड एमिन्स ने इसको परफॉर्म किया है तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, ठीक है। अच्छा, ये बात है कि यहाँ पर हमने देखा कि ये ओपन इनविटेशन है, जब वो वहां गए ना उन्हें वहां की जिंदगी अच्छी लगी। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि फेटलिज्म कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है। आप देखिए, आप अभी जो सेकंड पोएम पढ़ेंगे सर हेनरी वॉटन की लिखी हुई है और उसका नाम है कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ठीक है, उसकी लास्ट लाइन में आप पढ़ेंगे उसमें कि वो कहता है कि हैविंग नथिंग एट ऑल, यानी उस शख्स के पास कुछ ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ होता है और उसके वो फिर भी खुश होता है, क्यों, कि वो एम्बिशियस नहीं है ना, एम्बिशन को खत्म कर दे, कुछ ना होने पर भी वो बहुत खुश है। तो भाई ये उन लोगों की पहचान है जो क्या कहते हैं फेटलिस्ट होते हैं, फेटलिज्म। एक पोएम और पढ़ेंगे आप, नाइन क्लास में आपने शायद पढ़ी होगी, द मिलर ऑफ द डी। मिलर ऑफ द डी के बाद किंग हॉल जाता है, किंग हॉल उससे कहता है कि भाई मैं बादशाह हूं, किंग हूं,
और किंग होने के बावजूद मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरी मेरी प्रॉपर क्या कहते हैं किंगडम है, मेरे तख्त ताज है, मेरे दरबारी है, पूरे सल्तनत में मेरे हुकूमत है, लेकिन मैं इतना खुश नहीं हूँ जितना तू खुश है। तो बता ए मिलर ऑफ द डे, तू क्यों इतना खुश है? तो बता वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि आई इनवी नन एंड नोबडी इनवीज मी, यानी मैं किसी से हसद नहीं करता और ना ही कोई मुझसे हसद करता है। क्यों? कि आई हैव नथिंग, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, माल बैंक बैलेंस दौलत नहीं है, मुझसे कोई क्यों हसद करेगा? मैं इसी में सब शुक्र हूं, वो मिलर पैदा हुआ, मिलर ही मर गया, आगे ना बढ़ सका, वो फैट एम्बिशियस को खत्म कर दिया उसमें। इसी पोएम में आप जाएंगे स्टैंजा नंबर टू और लाइन नंबर टू में विलियम शेक्सपियर कहता हु डॉट एम्बिशन, जो अपने यानी कि एम्बिशन को खत्म करते वही यहां रहेगा। तो ये एम्बिशियस यानी फेटलिज्म जो है एम्बिशियस के खिलाफ है, यानी फेटलिज्म का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो एम्बिशियस होगा, फेटलिज्म का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो एम्बिशियस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो फेटलिज्म को इनवाइट कर रहा है, फेटलिस्ट वहां पर, और ये जो है ना क्या कहते हैं, ऐसे लोग होते हैं बस अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, जो तकदीर में मिल गया आगे कुछ नहीं करना। एक्चुअली असल थीम इसका ये है। अब इस पॉइंट को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, बहुत लेंथी हो गया मेरा लेक्चर, मैंने भरपूर कोशिश की है कि इसे सही और बेहतर चीजें आप तक पहुंचा सकूं। इसको मुझे उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये समझ आई होगी आपको। कोशिश कीजिएगा इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लेक्चर को सुनने का, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, जाने से पहले एक बात और बता दूं, ये पोएम जो लिखी गई अभी विजन में है, दिस पोएम वाज रिटन इन, ये जो लिखी गई इन 1599 में लिखी गई है ये पोएम। एक्चुअली ड्रामा ही लिखा गया था उसमें लिखी गई थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई कमी रह गई हो तो जरूर भी जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।